नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। स्पीड के दौर में सोशल मीडिया भी फास्ट है, तस्वीर और वीडियो वायरल होने में यहां देर नहीं लगती। कुछ को तो आप भी फॉरवर्ड करने में देर नहीं लगाते बिना ये जाने कि इस तस्वीर या वीडियो की सच्चाई क्या है। क्या ये सच्चा है या फिर झूठा? किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि बिना सोर्स ढूंढे सच्चाई जाने या सही गलत के नतीजे पर पहुंच जाना समझदारी नहीं। ऐसी ही वायरल खबरों की हम करते हैं पड़ताल और आपको बताते हैं उससे जुड़ा पूरा सच। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रेसिडेंट और बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। राजधानी रायपुर में सभा के दौरान उन्होंने प्रदेश की बघेल सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इसी बीच सोशल मीडिया पर तेजस्वी सूर्या की सभा का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप के हवाले से दावा किया गया है कि सभा में भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगे। क्या है सच, क्या है झूठ? पड़ताल करते हैं, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहती है कि वो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को हराकर फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में जनता को लुभाकर जीत हासिल की जाए। इसीलिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। अभी पिछले दिनों ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पर हल्ला बोला और उसे नकारा बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजस्वी सूर्या के भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी सूर्या के भाषण के दौरान वहां मौजूद भीड़ ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वीडियो के साथ दावा ये किया जा रहा है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय हैं, इसीलिए बीजेपी की दाल यहाँ आसानी से नहीं गलेगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग कैप्शंस के साथ शेयर कर रहे हैं और उन पर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और लाइक भी दे रहे हैं। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बड़ी तादाद में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इन सब के बीच तब ऐसा कैसे हो गया कि उनके रैली में भूपेश बघेल के लिए नारे लगाए गए? इसीलिए तेजस्वी सूर्या के भाषण की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल जरूरी लग रही थी। हालांकि मन में कई सवाल थे, क्या तेजस्वी सूर्या की रैली में लगे थे बघेल के नारे, क्या बीजेपी की रैली में कांग्रेस के लोग भी आए थे या किसी ने तेजस्वी सूर्या के भाषण के साथ छेड़खानी की है। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने पहले कुछ खास कीवर्ड्स के जरिए खोजबीन शुरू की तो हमें 24 अगस्त को शेयर किया गया एक वीडियो मिला। इस वीडियो के 2 मिनट 50 सेकंड पर तेजस्वी भूपेश बघेल को बोलते हैं। उसके बाद सेकंड भर के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं कि भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं, सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर हैं। तेजस्वी सूर्या इस बोल के बाद भीड़ से काफी तरह की आवाज आती है लेकिन भूपेश बघेल जिंदाबाद का नारा नहीं सुनाई देता। इससे ये कहा जा सकता है कि ऑडियो एडिटिंग के जरिए जोड़ा गया है। यही नहीं, वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें कई कट्स भी नजर आते हैं। इससे भी ये पता चलता है कि इस वीडियो को वायरल करने के लिए काफी छेड़खानी की गई है। इसलिए हमारी पड़ताल में साबित होता है कि तेजस्वी सूर्या का वायरल भाषण पूरी तरीके से फर्जी है। उनके भाषण के साथ छेड़छाड़ करके वायरल किया गया। यश मित्तल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इराक का है। इराक में हुई हिंसा के दौरान उस बस को निशाना बनाया गया जिसमें ईरान के तीर्थयात्री सफर कर रहे थे। अब वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। इराक की राजधानी बगदाद में पिछले दिनों जबरदस्त हिंसा हुई। हिंसा में कई दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी तादाद में लोग जख्मी भी हुए।
अति सुरक्षित माना जाने वाला ग्रीन जोन इलाका जहां संसद भवन, तमाम सरकारी इमारतें और दूतावास है, अब वो रणभूमि में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं। राष्ट्रपति भवन में रॉकेट लॉन्चर और AK-47 तक से हमला किया गया। हर तरफ अफरा तफरी देखने को मिली। इराक में हो रही हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल तस्वीरों और वायरल वीडियो की बौछार है। वायरल वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इराक का है। बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने ईरान के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बसों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। इसी दावे के साथ अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? हमारी फैक्ट चेक की टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इराक में हो रही हिंसा की बड़ी वजहों को जान लेते हैं। इराक में ताकतवर शिया नेता और मौलवी मुक्तदा अल सदर ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद इराक के कई शहरों में हिंसा फैल गई। राजधानी बगदाद के अलावा बसरा, नजफ, नासिरिया और हिल्ला में जमकर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, जिसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल इराक में पिछले साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव के बाद भी अंतरिम सरकार से काम चलाना पड़ रहा है। मुक्तदा अल सदर इराक के सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं। वो उदारवादी विचारधारा के खिलाफ हैं। अनुयायी उनकी हर बात मानते हैं। जुलाई में उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद शिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए संसद भवन में जा घुसे थे। इनका मानना है कि वो ईरान के करीब है। अब वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी हमने पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले फ्रेम के रिवर्स सर्च का सहारा लिया। सर्च के बाद हमें 21 अगस्त को AL अहली स्टेडियम नाम से एक हैंडल से ट्विटर पर पोस्ट किया गया वायरल वीडियो मिला। अरबी में कैप्शन दिया गया है कि इस्लामिली प्रशंसक अल अहली प्रशंसकों की बसों पर हमला करते हुए। अब इस क्लू के साथ हमने गूगल सर्च का सहारा लिया, जिसके बाद हमें जो रिजल्ट मिले उसके मुताबिक मिस्र के दो फुटबॉल क्लब के फैंस के बीच ये झड़प हुई थी। एक फुटबॉल क्लब काहिरा का है, दूसरा इस्माइलिया का। 21 और 22 अगस्त की कई ऐसी खबरें भी मिली जिसमें झड़प का जिक्र था, साथ ही तस्वीरें भी पोस्ट की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइली स्पोर्टिंग क्लब के कुछ प्रशंसकों ने 21 अगस्त को मैच से पहले अल अहली स्पोर्टिंग क्लब की फैंस की बस पर हमला किया था। हमले के बाद मैच को स्थगित कर दिया गया था। रिपोर्ट में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि बस चालक समेत कई लोग इसमें जख्मी हुए। आगे की पड़ताल में हमें इसी घटना का एक और YouTube वीडियो भी मिला, जिसमें 16 सेकंड के आसपास बस की विंडशील्ड के पीछे एक फुटबॉल क्लब का लोगो देखा जा सकता है। इस लोगो की मैचिंग जब हमने अल अहली के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर से की तो ये साफ हो गया कि बस अल अहली के प्रशंसकों को ले जा रही थी। पड़ताल के दौरान मिश्र की एक वेबसाइट ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं। वीडियो का इराक की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। वायरल वीडियो मिस्र के दो फुटबॉल क्लब के फैंस के बीच हुए झड़प का है। रिदेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।